नमस्ते, मेरा नाम है सिद्धांत और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप डॉट कॉम। नरेंद्र मोदी सरकार का एक और बड़ा फैसला, फाइनेंस सेक्रेटरी यानी वित्त सचिव बदल दिए गए हैं। नए फाइनेंस सेक्रेटरी हैं अजय भूषण पांडे। फिलहाल अजय भूषण पांडे रेवेन्यू सेक्रेटरी हैं वित्त मंत्रालय में। अब तक वित्त सचिव के पद पर थे राजीव कुमार, जिन्हें अब अजय भूषण पांडे रिप्लेस करेंगे। राजीव कुमार को बीते साल जुलाई में वित्त सचिव बनाया गया था। बिजनेस स्टैंडर्ड की खबर बताती है कि पिछले महीने राजीव कुमार को वित्त सेवा के सचिव का पद दिया गया, जिसके बाद से ये जगह खाली थी। अब आपको एक रुपए के नोट वाली बात बताएंगे, जिसके फेर में पढ़कर आप वीडियो तक चले आए हैं। थोड़ा सा जनरल नॉलेज बढ़ा लीजिए। एक रुपए के नोट पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर के साइन नहीं होते हैं, जैसे बाकी सारे नोटों पर होते हैं। किसके साइन होते हैं? फाइनेंस सेक्रेटरी के, यानी वित्त सचिव के। यानी सरकार के इस फेरबदल के बाद अब एक रुपए के नोट पर राजीव कुमार का साइन नहीं होगा, होगा तो अजय भूषण पांडे का। अब आप पूछेंगे कि आरबीआई के गवर्नर का साइन क्यों नहीं होता है भैया? इसलिए होता है क्योंकि एक रुपए के नोट को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नहीं छापता है, इसे छापती है भारत सरकार। बाकी नोटों पर मैं धारक को इतने रुपए देने का वचन देता हूं, ये सब लाइन लिखी होती है, लेकिन एक रुपए की नोट पर ये लाइन नहीं लिखी होती है, इसीलिए इस नोट को लायबिलिटी माना जाता है। भारत सरकार को एक रुपए का नोट छापने का अधिकार क्वाइनेज एक्ट के तहत है। इस एक्ट में समय समय पर बदलाव होते रहे हैं। हालांकि एक रुपए के नोट के डिस्ट्रीब्यूशन की जिम्मेदारी आरबीआई की ही होती है, और वैसे भी नोटों से जुड़ा कोई भी अप्रूवल सरकार और आरबीआई साथ ही मिलकर लेते हैं, और इसी से जुड़े नियम क्वाइनेज एक्ट में लिखे गए हैं। अब एक रिपोर्ट के मुताबिक 1917 से 2017, यानी ये 100 साल का समय, जिसको बीते भी अब 3 साल हो चुके हैं, के बीच एक रुपए के नोट 125 अलग अलग तरीकों से छापे गए। ये बदलाव नंबर्स और सिग्नेचर्स से जुड़े होते थे। कुछ स्पेशल सीरीज नोट भी थे, जैसे 1969 में महात्मा गांधी के 100वें जन्मदिन पर उनकी फोटो के साथ खास सीरीज छापी गई थी। इन 100 सालों में इस नोट में 28 बार बदलाव किए जा चुके हैं, और इस पर 23 से ज्यादा बार सिग्नेचर बदल चुके हैं। अब अजय भूषण पांडे पर वापस आए, थोड़ा सा उनके बारे में जान लीजिए। 1984 बैच के महाराष्ट्र काडर के आईएएस अफसर हैं। वो UIDAI यानी वही आधार कार्ड वाली सेवा से जुड़े रह चुके हैं। UIDAI से वे 1 सितंबर 2010 को जुड़े। उनके जुड़ने के कुछ दिनों के बाद देश का पहला आधार नंबर जारी किया गया। UIDAI से 9 सालों तक जुड़े रहे। और शिक्षा दीक्षा पे बात करें तो IIT कानपुर से बीटेक हैं, इसके बाद मिनिसोटा यूनिवर्सिटी गए, वहाँ से MS और PhD की डिग्री पाई, और वित्त मंत्रालय के सबसे वरिष्ठ अधिकारियों में गिने गए हैं, क्योंकि सबसे वरिष्ठ अधिकारी को ही बनाया जाता है वित्त सचिव। अजय भूषण पांडे के बाद 1985 बैच के अधिकारी अतनु चक्रवर्ती आते हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री में, उनके बाद 1987 बैच के तुहिन कान पांडे। तो ये थी हमारी छोटी सी रपट एक रुपए के नोट, वित्त सचिव, सिग्नेचर और छोटी सी हिस्ट्री पर। आपको कैसी लगी हमें वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को ज़रूर लाइक कीजिएगा। हमारा ऐप है Google के प्ले स्टोर पर, दी लल्लन टॉप ऐप, डाउनलोड कीजिए। सारे वीडियो, किस्से, कहानियाँ, खबरें, सब कुछ सबसे पहले ऐप से आप तक पहुँच जाएगा। कैमरे के पीछे हैं राशिद और ऋषभ। देखते रहिए लल्लन टॉप.com। शुक्रिया।